राधे राधे दोस्तों, आप सभी का LTB भक्ति चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको बताने वाले हैं राधा नाम की महिमा। जी हाँ, आपको बताएं, एक संत वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में बड़ी निष्ठा थी उनकी। प्रतिदिन उनका नियम था कि वे रोज एक अध्याय का पाठ किया करते थे और राधा रानी जी को अर्पण करते थे। ऐसे करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। पर एक रोज वे जब पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई नहीं दे रहे थे और थोड़ी देर बाद तो वे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। अब तो वो रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? रोते रोते उन्हें सारा दिन बीत गया। कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि पाठ करने का नियम था और जब तक नियम पूरा नहीं करते, खाते पीते भी नहीं थे। आज नियम नहीं हुआ तो खाया पिया भी नहीं। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखें नहीं हैं, इसलिए रो रहे हो बाबा? बाबा बोले, नहीं लाला, आंखों के लिए क्यों रोऊंगा, मेरा नियम पूरा नहीं हुआ इसलिए रो रहा हूँ। बालक बोला, बाबा, मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ, आप ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। बाबा ने सोचा, लगता है वृंदावन के किसी वैद्य का लाला है, कोई इलाज जानता होगा। बाबा ने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। जब सुबह उठे और पट्टी हटाई तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, देखूं तो उस बालक ने पट्टी में क्या औषधि रखी थी। और जैसे ही बाबा ने पट्टी को खोला तो पट्टी में राधा रानी जी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी अनंत महिमा है, मुझ पर इतनी कृपा की और श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम करती हो कि रोज मुझसे श्लोक सुनने में राधा रानी जी आपको भी आनंद आता है। लाट लड़ेती राधिके मांगू गोंद पसार, दीजिए मोहे चरण रज और वृंदावन को वास। इस पूरी सुंदर कथा से दोस्तों ये पता चलता है, अगर हमें भगवान पर अनन्य निष्ठा और विश्वास हो तो भगवान यानी प्रभु सदैव आपके साथ हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताऊं, राधा नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम कोई मंत्र नहीं है, ये स्वयं में ही महामंत्र है। जी हाँ, श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवता, यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी को भजते और जपते हैं। तो आप सबको मेरा राधे राधे।